गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि कल कांग्रेस पार्टी के वसीम सैयद अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुंब्रा प्रभाग समिति पर पहुंचे थे और वहां पर राजन किने के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दरअसल राजन किने ने पिछले दिनों उद्धव गुट के शिवसेना शाखा जो शंकर मंदिर के पास है उस पर कब्जा करके अब जो है वो शिंदे गुट के तरफ से वहां पर ग्राउंड प्लस वन या दो मंजिले का जो है वहां शाखा बनाने की तैयारी कर रही है। और इसी के विरोध में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वसीम सैयद के साथ में मुंब्रा प्रभाग समिति पहुंचकर बालू पीचड़ से मुलाकात करने की कोशिश की कि जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि जिस वक्त ये सभी लोग मुलाकात करने गए उस वक्त मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त जो बालू पीचड़ हैं वो वहां पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद ये सभी लोग वहां केबिन जो बाहर थी वहां पर बैठकर जो है एहतजाज करने लगे या फिर यूँ कहें कि बालू पीचड़ का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर बाद बालू पीचड़ आए, उसके बाद उनसे भी बातचीत हुई और कार्रवाई की मांग की गई कि किस तरह से राजन किने ने उद्धव गुट के शाखा को कब्जे में लेकर तोड़ा और उसके बाद वहां पर अब शाखा बनाई जा रही है जो शिंदे गुट की है। वसीम सैयद ने आरोप लगाया है कि अगर ये लीगल तौर पर बनाया जा रहा है तो इसका परमिशन बाकायदा इसका जो है नक्शा बनाकर इसे बनाया जाए और अगर इलीगल तरीके से बनाया जाएगा तो इस पर मनपा कार्रवाई करे, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में वो इस मामले को लेकर मुंब्रा प्रभाग समिति में आंदोलन भी करेंगे। कांग्रेस नेता वसीम सैयद ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। देखिए आज एएमसी को इस बात का लाक्षणिक धरने से जगाने का एक प्रयास था और उनको समझाया गया कि शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है और इस बात के ऊपर उन्होंने इसको एग्री करते हुए कहा है कि अभी हमने उनके सामने दो पॉइंट्स रखे थे कि शहर के अंदर जो इलीगल एक्टिविटी आज हुई और पिछले दिनों में हुई है अगर इसके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे, इस पर आप FIR दाखिल करवाएंगे तो हम जो है वो फिलहाल आपकी कार्रवाई के हिसाब से खामोश रहेंगे। अगर आपने 8 दिनों के अंदर हमको सेटिस्फैक्ट्री कार्रवाई नहीं करते हुए दिखाई तो हम इसी प्रभाग समिति के सामने विराट धरने का आयोजन करेंगे। देखिये FIR तो ऐसा है कि अगर मैंने इससे पहले बताया कि अगर एक आम शहरी रस्ते पे एक छोटा सा गड्ढा खोद देता है तो क्या होएगा, उसके ऊपर 353 भी दाखिल कर देंगे, उसके ऊपर दुनिया भर के सरकारी मालमत्ता को नुकसान पहुंचाने का केस दाखिल कर देंगे, उसके ऊपर दुनिया भर के दूसरे केस दाखिल करके उसको जेल में भेज देंगे, फिर वो बेल से लेकर छूट करके आता है। लेकिन ऐसे लोग जिनको सरकारी पुष्ट पनाही हासिल है यानी बैकिंग हासिल है, अब चाहे इसके अंदर वो मुख्यमंत्री का नाम लेकर करें, चाहे वित्त मंत्री का नाम लेकर करें, चाहे रक्षा मंत्री का नाम लेकर करें, ऐसे लोगों को भी ये बताना पड़ेगा क्या आप कानून से ऊपर नहीं है। मैं वापिस से एक बार बोलता हूं, लोगों को ऐसा लगता है कि लोग डरते हैं, अगर आप सच बोलोगे ना तो चाहे नेता कितना ही बड़ा हो, कदमे कितना ही छोटा हो, लेकिन उसको उसकी जगह बताना पड़ेगी। मैं खुल करके आपके सामने बात करता हूं कि राजन किने ने आकर के एक शाखा तोड़ी, शाखा तोड़ने का आपका पर्सनल इशू है, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप मुंब्रा शहर के अंदर ये मैसेज देना चाहते हो कि आप दो माले की शाखा बनाओगे इलीगल, लीगल बनाओगे प्लान पास करो, उसके लिए आप जो भी उसकी जगह का हुआ डॉक्यूमेंटेशन करो और बनाओ, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर राजन किने भी इलीगल बना रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए।
उसके ऊपर भी एफआईआर दाखिल होना चाहिए। आजी माजी नगर सेवक कोई भी रहने दो, कोई कितना भी बड़ी चीज का दावेदार रहने दो, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। हमारे एमपी राहुल जी गांधी इतने बड़ी शख्सियत जिसको पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया उनकी तरफ नजर लगाई हुई है, उनके ऊपर कानून कार्रवाई करता है तो उनकी सांसद की जो अध्यक्षता जो सदस्यता होती है वो रद्द कर दी जाती है और फिर क्या होता है वो एक कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, कानून के ऊपर विश्वास जताते हैं और उसके बाद उनको वो सदस्यता फिर से मिलती है। आज वो पूरे गरीबों की, आज पूरे भारतवासियों की आवाज को लेकर के सदन के अंदर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ला कानूनियत का राज है, यहाँ पर जिसकी लाठी उसका भैंस चल रहा है, यहाँ बता रहे कि हम सीएम के खास आदमी है। अरे सीएम के खास आदमी तो क्या आप इल्लीगल बनाओगे? आपको कोई भी चीज का परवाना मिल गया? आप किसी की तो कानून है कि नहीं है इस देश के अंदर? एफआईआर जिस तरीके से मांग की गई है, आपको क्या लगता है कि एफआईआर उन लोगों पर की जाएगी? ऐसी आश्वासन अगर एफआईआर नहीं हुई तो बताया गया 8 दिन, आज तारीख कितनी है? 8 तारीख है, 16 तारीख को यहाँ पर विराट धरना होगा और फिर उसके बाद मार्केट में जो फेंसिंग रेलिंग बन रही है उसके लिए भी कुछ डिमांड की थी तो उसपे क्या जो भी इलीगल काम है वो फेंसिंग बताई हम लोगों ने कि इलीगल लगी हुई है। कुछ लोग आकर के यहाँ पर बता रहे कि हम जो है वो बालू पिक्चर के खास आदमी है जो एएमसी है और उनकी परमिशन से लगा रहे। अगर बालू पिक्चर ने भी अगर इलीगल काम करा हुआ है तो बालू पिक्चर के खिलाफ भी है ना आपको एएमसी को कार्रवाई करना पड़ेगी। वीडियो वायरल हो रहा है उसमें माजी नगर सेवक है जफर उमानी, वो मार्केट के पास खड़े रह के फेंसिंग लगाए जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है एकदम मैं क्या बोल रहा हूँ, आज ही आमदार रहने दो या माजी नगर सेवक रहने दो, कानून सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री भी अगर गलत करे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, तो ये लोग कौन है? कार्रवाई तो होनी चाहिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम हर एक चीज को यहाँ पर बाकायदगी से धरने में खुल खुल करके बताएंगे। ये देख रहे हैं हम ये सब बैनर से ना ये लेकर गए थे दिखाने के लिए कि छोटे कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, इतना बड़ा फोटो लो, ये जहां पर ये गूगल मैप के साथ है, अगर यहां पर इलीगल बना तो फिर एएमसी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, सिंपल सी बात।